सुनिए ना, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, घंटी को भी टंटना दीजिएगा, ठीक है ना? राम राम छोटो को सलाम, दिस इज प्रिया सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल नेम बिहारी बन्नी। और एक बार वापस से आ गई हूँ मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग वीडियो लेके। ये मेरी थर्ड वीडियो है इस लिस्ट में, तो जितने भी लोग एनओयू के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस पूछने चाहते हैं, पहले मेरे जाके दो वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही कुछ पूछिए। क्योंकि क्या हो रहा है गाइस कि कभी कभी बाय मिस्टेक ही सही, लेकिन आप लोग शायद पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और सेम क्वेश्चंस मुझे डीएम और कमेंट करते रहते हो, और इसीलिए शायद मैं रिप्लाई बैक भी नहीं कर पाती, क्योंकि एक क्वेश्चन का कितनी बार जवाब देगा इंसान। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कुछ भी पूछने से पहले आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि इस वीडियो को मिला के, टोटल तीन वीडियोस है मेरे एनओयू के ऊपर, प्लीज़ आप लोग एक बार देख लो उसको, जिसमें मैंने एडमिशन, पढ़ाई, सेमेस्टर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स के ऊपर क्लियर किया है डाउट आप लोगों का। तो आई होप कि वो काफ़ी हेल्प करेगा आप सबका। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं एनओयू की बस एक स्टूडेंट ही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यू नो गाइस कि ये कॉलेज जो है वो रेगुलर ऑपरेट होने वाला कॉलेज नहीं है, यहाँ पे क्लासेस नहीं होते हैं। इतना भी नॉलेज मुझे अपने स्ट्रीम का है, मैं बस उतना ही आप सबको बता पाऊँ, ओनली शेयर उतना ही नॉलेज जितना मुझे है अपने स्ट्रीम का रिगार्डिंग एमएससी जूलॉजी। मैंने एमएससी किया है एनओयू से। द सेशन वॉज 2019 to 2021, जो कि लेट होने के वजह से उसके एग्जाम्स 3 या 2 महीने पहले अभी हुए हैं, फाइनल एग्जाम्स, और रिजल्ट का वेट कर रही हूँ मैं। सो दैट्स माई अपडेट। और हाँ, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो आप लोगों के आते हैं, तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ आप सब के क्वेश्चंस जो बचे खुचे थे उन सबको सॉर्ट आउट करूंगी, सारे डाउट सॉल्व होंगे। सो जस्ट बी इन द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या एनओयू का सेशन लेट रहता है? तो इसके लिए मैं हाँ और ना दोनों बोलूंगी। अब द मेन रीजन इज कि मेरा सेशन था 2019 से 2021, और उस ईयर कोविड का जो प्रकोप था वो आप सबने देखा था, 2 साल कंटिन्यू हुआ था, एंड दैट्स वाई एनओयू में प्रमोट करने जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है। मतलब आप लोग बिना एग्जाम दिए आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी की यूनिवर्सिटीज ने ऐसा किया था, फर्स्ट ईयर वी आर प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एंड दैट्स वाई वेट हुआ कि जब तक कोविड टोटली खत्म ना हो जाए तब तक हमें वेट करना पड़ा था हमारे एग्जाम्स को लेकर, एंड दैट्स वाई आवर सेशन वॉज लेट। पर मैं आप लोग को एक अपडेट देना चाहूंगी कि राइट नाउ जब मैं ये वीडियो आप लोग तक पहुंचा रही हूँ, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम्स अभी भी चल रहे हैं, और ये एग्जाम्स चल रहे हैं सेशन 2021 से 2023 का, यानी फर्स्ट ईयर एमएससी का एग्जाम अभी चल रहा है, जिनका एडमिशन पिछले साल हुआ था। तो थोड़ा आगे पीछे या 2-3 महीने का आगे पीछे चल रहा है, और इस हिसाब से देखते हुए अगर मैं चलूं तो जिन लोगों ने न्यू एडमिशन लिया है अभी जस्ट कुछ दिन पहले, उन लोगों के एग्जाम्स ऑन द टाइम पक्का हो जाएंगे। लाइक 1-2 महीने आगे पीछे तो हर यूनिवर्सिटी में होता ही होता है, बट उतने के बावजूद आप सबका सब कुछ टाइम पे होने वाला है। तो जो अब तक हो चुका है उसको भूल जाइए। आने वाले टाइम में आई विल सीरियसली रिकमेंड यू कि अगर एडमिशन ले चुके हैं तो टाइम पे पढ़ाई कर लेना, क्योंकि आप लोग का एग्जाम फॉर श्योर टाइम पे होगा। क्वेश्चन, क्या अभी भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है? तो जी हाँ, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने 19 नवंबर तक अपने एडमिशन प्रोसेस को एक्सटेंड किया है बच्चों के हित में, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें एडमिशन लेने का मन है। तो अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं एनओयू में तो आप ले सकते हैं टिल 19th of November। और हाँ, एडमिशन का प्रोसेस क्या है ये मेरी वीडियो ऑलरेडी है इसके ऊपर, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है। कौन सा वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको वीडियो देख के आप खुद डिसाइड कर लेना, और उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, वहां से आप डेफिनेटली उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो प्लीज गाइस उस वीडियो को एक बार देख लेना, इस वीडियो में मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे मैं एडमिशन के बारे में नहीं, आप सबको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ जो आप लोगों के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, सो थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि ना जल्द ही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अपना मेन ऑफिस पटना से मूव ऑन करने वाले हैं। जी हाँ, पटना में इसका मुख्यालय है, दैट इज इन बिस्कोमान भवन, और वो जल्द ही लाइक मार्च टू अप्रैल तक नालंदा में शिफ्ट हो जाएगा। नालंदा तो आप सबको पता ही होगा, द मोस्ट फेमस नालंदा। तो मेरे लिए ये अच्छी और बुरी खबर दोनों है। अब अच्छी इसलिए है कि मैं खुद नालंदा जिले से हूँ, तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि नालंदा जाना उतना इशू में नहीं हो सकता। प्लस
क्योंकि मेरा सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो शायद जब तक मेरे रिजल्ट्स आएंगे, मेरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तब तक मतलब मार्च अप्रैल से पहले तो आ ही जाएंगे आई होप, और तब तक मैं फारिग हो जाऊंगी, मतलब आई विल बी फ्री. लेकिन जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये गुड एंड बैड दोनों न्यूज़ हो सकती है. जो लोग उस साइड से हैं, नालंदा साइड से हैं, उन्हें इधर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्च अप्रैल तक तो भाई सब कुछ उधर शिफ्ट होने वाला है. और जो पटना साइड से है उन्हें प्रॉब्लम तो होगी. वैसे नालंदा कोई बहुत दूर भी नहीं है, पर हाँ प्रॉब्लम्स तो हो जाती है ना. और अब ये है कि क्या पटना में कुछ भी नहीं रहेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है. पटना विल बी द स्टडी सेंटर. लेकिन गाइज मुझे स्टडी सेंटर का कोई आइडिया नहीं है कि स्टडी सेंटर पे एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि अभी तक मैं मेन ऑफिस ही विजिट करती थी, दैट वाज इन बिस्कोमान भवन. तो स्टडी सेंटर पे शायद एग्जाम्स नहीं होते होंगे, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इवन इफ दे बिलोंग टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, सारे बच्चे आके पटना में ही एग्जाम दे रहे थे. दैट मींस कि स्टडी सेंटर पे शायद एग्जाम नहीं होते हैं, एग्जाम मेन ब्रांच पे ही होते हैं. अब आई डोंट नो कि एग्जाम्स के सेंटर हमें फिर पटना में मिलेंगे या नालंदा में मिलेंगे, ये तो हमें वक्त ही बताएगा. बट हाँ, ये नॉलेज मेरे पास थी कि बहुत जल्द मुख्यालय शिफ्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको बता दूं. सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि अब पटना में शायद मार्च अप्रैल तक, अब क्योंकि उन्होंने बोला है थोड़ा और लेट ले लेते हैं, जून जुलाई तक चीज़ें सेटल होने वाली है. तो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए आपको नालंदा विजिट करना पड़ सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे करें. तीन तरीके हैं एनओयू के एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने का. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको एनओयू के वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा, बुक्स, एनओयू का स्टडी मटेरियल जो आप लोग को फ्री में मिल चुका है एडमिशन के टाइम, थर्ड गूगल, यूट्यूब और जितने भी ऑनलाइन तरीके हैं. ये तीन तरीके ही थे जिससे मैंने प्रिपरेशन करी थी. एंड आप लोग सब पूछते हैं मेरा कितना मार्क्स आया था, तो फर्स्ट ईयर में आई गॉट 72%, विच इज अ नाइस मार्क, आई नो. और एनओयू में इतना आना मुश्किल होता है, बट अगेन डर लगता है यार, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा आ गया, आप सेकेंड ईयर का यू नेवर नो क्या होती है चीजें. खैर जो भी होगा तो मैं आप सबको अपडेट उसके बारे में जरूर दूंगी. हमेशा ऑल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको बस उतना करके जाना है. आप दो साल का कर लो, ठीक है, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ट्रस्ट मी. क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करो. मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी, मैंने गूगल से नोट्स लिखे थे, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं. प्रैक्टिकल के डेट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम के डेट्स कैसे रिवील होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, बट एज आई हैव सेड वीडियो में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, इसीलिए आप लोगों ने ये बात मिस कर दी है. तो एक बात फिर से मैं बता देती हूँ, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, उसके नीचे में आपको शेड्यूल दिया रहता है, वो देख लो आप, ठीक है. अभी यहाँ से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाऊंगी. ये इस तरीके से ऊपर से नीचे यहाँ तक क्वेश्चंस हैं और ये है शेड्यूल, ठीक है, अलॉन्ग विद द रोल नंबर कि किस रोल नंबर को किस दिन आना है. और इवन इसमें काउंसलिंग क्लासेस का प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, मतलब आपके प्रैक्टिकल क्लासेस बिना काउंसलिंग क्लासेस के नहीं होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. काउंसलिंग क्लासेस क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, बट फिर भी एक शॉर्ट डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि एनओयू में कोई क्लासेस तो होती नहीं है, बिकॉज इट्स एन ओपन यूनिवर्सिटी. तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं मुझे, तो नहीं यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं होगी, ओपन यूनिवर्सिटी, आप अपने घर पे रहो, पढ़ाई करो. लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले काउंसलिंग क्लासेस जरूर होती हैं यहाँ पे, 4 से 5 दिनों की. तो उन काउंसलिंग क्लासेस को आप अटेंड कर लो, क्योंकि उससे आपका डाउट काफी हद तक सॉर्ट आउट, क्वेश्चन पेपर पे प्रिंट होके मिल जाएंगी आपको, ये ऑनलाइन आपके वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे. सो इसके लिए आप टेंशन मत लो, आपका अगर एग्जाम का रूटीन आया है चुपचाप से एग्जाम देने जाओ. अगर आपका प्रैक्टिकल्स होता है तो आपके क्वेश्चन पेपर पे आपको सब कुछ मिलेगा, प्लस खुद इन्विजिलेटर या प्रोफेसर आके आपको एग्जाम हॉल में इसके रिगार्डिंग अपडेट्स दे देंगे. आई होप ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, बट स्टिल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो ठीक है मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं. एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि आपके फर्स्ट एग्जाम में ही आपको ऐसा मिल जाए, क्योंकि ये मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन पेपर है जहाँ पे ये वाला देख लो आप ब्लैंक है, ठीक है. तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो अगर है, मतलब फर्स्ट टू एग्जाम्स में शायद आपको अपडेट ना मिले, लेकिन बाद में जो एग्जाम होगा, मतलब थर्ड टू फोर्थ होते होते आपको अपडेट्स मिल जाएंगे. तो आई होप गाइज इट विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू.
Here comes the best part of the video. Practical का preparation कैसे करें? तो practical के preparation के लिए सबसे पहले आप देख लो, ये एक single file हम लोगों को बनानी थी. I am from zoology guys. I am repeating it again and again. I don't know about chemistry. I don't know about physics. उसमें कैसा होता है? वैसे भी उसमें assignment देने होते हैं, उसमें practical जैसा कुछ नहीं होता. तो जिन लोगों के practicals होते हैं, मैं उन लोगों के लिए ये update दे रही हूँ. तो zoology वाले जितने भी लोग हैं, आप सबको ऐसा फाइल बनाना होगा. ओके, इस तरह का एक फाइल, मतलब कि ये जो कूट वाली फाइल होती है ना, ये वाली फाइल बनानी है. और इस पे बस एक, मतलब बड़े शब्दों में, अभी तो आपको ये ऑपोजिट दिख रहा है, मैं आपको सामने से दिखा दूंगी. तो नाम, एनरोलमेंट नंबर, आपका एमएससी जूलॉजी और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरे पार्ट टू का फाइल है, ये मैंने बचा के रखा है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, दैट्स व्हाई. और इसमें हमें जो भी पेपर है उस पेपर के क्वेश्चंस को बना के लेके जाना था, लाइक पेपर 16, पेपर 17, पेपर 18. एक दिन में आपके एक से ज्यादा प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होते हैं, दैट इज एक दिन में आपके चार पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4, चारों एक दिन ही हो जाएंगे. तो आपको एक दिन में इन चारों पेपर का बना के लेकर जाना है. ओके, सो सबको एक ही फाइल में ले जाना है. यस, अलग अलग फाइल लेने की कोई जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, अलग अलग फाइल लेके आते हैं, बट फिर उन्हें समझ में आता है कि इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं था. तो ये सेम सिंगल फाइल में आप सब बना के ले जा सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत टाइम है और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने का मन कर रहा है, तो आप अलग अलग चार फाइल्स बना के ले जाइए. बट सच बताऊं, कुछ खास ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, सिंगल फाइल में आप सब लेके जा सकते हैं. दूसरी बात, वाइवा होता है या नहीं? ऑफकोर्स होता है, या होता है. तो कैसा होता है? तो ऑफकोर्स आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ के जाना होगा, यानी कि अगर आपने एग्जाम में ढंग से पढ़ा है तो वही क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछते हैं. अगेन, इट डिपेंड्स ऑन लक कि आपके सामने कौन से प्रोफेसर बैठे हैं और वो कितने स्ट्रिक्ट है, तो उस पर भी डिपेंड करता है. बट दो साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बोलूंगी कि वाइवा के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपके जो क्वेश्चंस, आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं ना एग्जाम में, उसी से रिगार्डिंग आपको बस रिविजन कर लेना है. यहाँ पे वाइवा जो है मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप में होता है, मतलब एक बार में 4 से 5 स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वैसे में थोड़ा डिवाइड हो जाता है टाइम और अटेंशन दोनों. सिंगल बच्चे अगर एक टाइम में रहे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट एक से ज्यादा बच्चे होते हैं ना, तो मिलजुल के भी आंसर्स दे देते हैं, और वो ग्रुप को भी हो सकता है कभी कभी नंबर्स मिल जाए. और प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी इसी फाइल से रिलेटेड आते हैं. मतलब तो फाइल को जब आप बनाए तो थोड़ा ध्यान से बनाए, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन का आंसर आपको अगले दिन एग्जाम हॉल में देना पड़ सकता है, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, अगर काउंसलिंग क्लास अटेंड करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहेगा, और अगर नहीं अटेंड करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी. तो भाई, द थिंग इज कि साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे आपके, और उस वक्त भी अगर आप अटेंटिव नहीं रहते हो तो आई थिंक कि फिर कोई वीडियो आपकी हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है तो पढ़ना तो पड़ता ही है. देयर इज नो अल्टरनेटिव, सपोर्ट करते रहना है मुझे, ज्यादा कुछ नहीं करना है. और हाँ, बेस्ट ऑफ लक लिख देना यार. लास्ट टाइम मैंने जब आप लोग को अपडेट दिया था एनयू का, उस वक्त मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, और अब बारी है रिजल्ट्स की. अब मुझे नहीं पता, एक महीने के बाद भी आ सकता है, तो उसके लिए मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिएगा. आप सबके बेस्ट विशेस का बहुत जरूरत है मुझे. सो मैं मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी ऑल द लव. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. आई लव यू ऑल. बाय बाय.